बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 85। इस इक्वेशनों को सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन क्या दिया है कि ए बी सी और पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी सी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस 85। यहाँ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इनसे 5। फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको फार्मूला के मुताबिक लिख देंगे। यहाँ जाएगा ए माइनस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस सी इज इक्वल टू 5 को लिख, 5 के फैक्टर लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 5। फिर क्या करेंगे, यहाँ देख ए माइनस सी ये लेस है किस से, ए प्लस सी से, यानी ए प्लस सी इनसे ग्रेटर है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 ग्रेटर है 1 से, और ये पॉसिबल है। तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा, ये लेस नंबर है 1 के, ए प्लस सी ये ग्रेटर है ए माइनस सी से, तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 2a प्लस सी माइनस सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनसे आ जाएगा 6। फिर दोनों साइड को 2 डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 3। इसके बाद क्या करेंगे, c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। c की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ले लेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ ए की जगह 3 को फुट करेंगे, प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए 3 ने इनको इस साइड पर लाएंगे, तो सी इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, ए और सी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, अब बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उनके लिए इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे, वो क्या है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो यहाँ ए स्क्वायर है तो ए की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। फिर क्या करेंगे, इनसे क्या आता है, 3 स्क्वायर से 9 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ए 9 इनको साइड पर लाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस 9। तो यहाँ जाएगा इनसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू इनसे 81। फिर क्या करेंगे, यहाँ बी स्क्वायर लिख देंगे, 81 को लिख देंगे 9 स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करी, हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई।